संत जी और आप सभी शिविरार्थियों के चरणों में मेरे साष्टांग नमन। हम आज तक जो जाना, सब कुछ रोग हटाने के लिए जाना। रोग होते हैं क्यों? ये मन का कारण है। तो पहले हमें तन के रोग मिटा के मन के रोग मिटाने हैं। तो यहाँ पे जो ट्रस्टी है ना, वो एक पिछली बार आए थे, उन्होंने बताया कि तन की तंदुरुस्ती, मन का स्वास्थ्य और आत्मा का आनंद, ये तीनों चाहिए। तो पहले हमें अपने आप को मन से स्वस्थ करना होगा। हम बीमार नहीं हैं, हम मन से बिल्कुल स्वस्थ हैं। और यहाँ से हम स्वस्थ होके ही जाएंगे, ऐसा आपको केवल अपने परमात्मा के आगे रोज़ प्रेयर करनी है, सुबह उठने से तुरंत और रात को सोने से पहले। आप परमात्मा के पास नहीं मांगोगे तो भी आपको मिल जाएगा, केवल आपको प्रेयर करनी है, क्योंकि प्रेयर आत्मा का खुराक है। और शरीर का खुराक जो सही है, वो हम दिन में ले रहे हैं, लेकिन रात में जो आइटम्स वगैरह खाते हैं, लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं। हमें ये बनाना नहीं आता, हमें वो बनाना नहीं आता, मुझे सीखना पड़ेगा। बुक्स पढ़िए गुरुजी की, तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। लेकिन मन बड़ा चंचल है, तो जो बार बार खाने पे मन चला जाता है, तो रेसिपी बुक है। 7 दिन में आपको इधर जो भी परोसा जाएगा, ज्ञान और पान दोनों, तो उसमें सीखना यही है कि अगर सही ज्ञान पा लिया तो ये रेसिपी कुछ मायने नहीं रखती है। हमें हजारों रेसिपी आती है, जितना पक्का बनता है ना, उतना कच्चा बनता है, सिर्फ माइंड घुमाना होता है। कोई रेसिपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब मेहमान आए तब बना लेने की एक दो रेसिपी, बाकी सिंपल खीरा, टमाटर, एप्पल, जो भी आपके पास है अवेलेबल, उसको काट के अच्छे से चटनी रोज एक बना लो। आज नारियल की चटनी, ग्रीन चटनी, खजूर की चटनी तो हफ्ते भर की साथ में बना के छोड़ दो, तो क्या है कि आपका काम आधा हो जाएगा। खजूर की प्लेन पेस्ट बना के रख दो फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में, एयरटाइट डिब्बे में, यानी कि धोया खजूर को, काटा और पानी में भिगा के छोड़ दिया, 4-5 घंटा भिगा के फिर उसको पीस लीजिए, और छन्नी में, स्टील की छन्नी में छान के उसका एकदम सॉफ्ट पेस्ट भर लीजिए। फिर आपको नारियल के दूध का कुछ भी आइटम बनाना है, तो हमें जैसे अपने रोग मिटाने के लिए ये सब थेरापीज करनी है, खान पान में आपको सिंपल पे चलना है, बहुत झंझट में नहीं पड़ना। ये दाल चावल सब्जी रोटी छोड़ के फिर इसमें लग जाओगे तो फिर प्रभु का कब करोगे। हमें कुछ नहीं करना है, अच्छे से चटनी बना लेनी है, जैसे कल एप्पल बीट की चटनी थी, जो चीज़ आप खा ना पाए ना उसकी चटनी बना देने की, उसमें अदरक, हरी मिर्ची या काली मिर्च, सेंधा नमक, काला नमक, जीरा पाउडर डाल दो, चटनी तैयार। स्मूदी जैसे कोई भी चीज़ आप डिप करके खाओगे तो खट्टा मीठा होगा तो अच्छा लगेगा ना, तो खजूर में नींबू डालो या इमली डालो, आपको जो सूट होता है, खुद के डॉक्टर खुद बनो।
और उसके अंदर कुछ भी डिप करके खाओ, कच्ची भिंडी अकेली, कुछ भरना नहीं है। ऐसे भी आप ग्रीन चटनी, खजूर की चटनी दोनों मिक्स करके उसमें डिप करके खाओगे तो कच्ची भिंडी भी आपको भजिए जैसी लगेगी, क्योंकि स्वाद तो चटनी का है, अंदर क्या मटेरियल है क्या कोई पता नहीं। आप कच्चा आलू भी खा सकते हैं, लौकी, ये पम्पकिन, कुछ भी कच्चा खा सकते हैं, यहाँ तक कि डायबिटिक पेशेंट तो करेला भी कच्चा खाते हैं, तो आप कच्चा खा सकते हैं। हाँ, तो अब हम खाने के बारे में, आपका जो माइंड में प्रश्न चल रहा था वो सॉल्व हो गया कि बनाना बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं है, कुछ भरवा आइटम बनानी है, तीन चीज़ें लगती है, मूंगफली, तिल और नारियल का बूरा, और जैसे चने के आटे जैसा स्वाद चाहिए तो दाढ़िया, ये चार चीज़ों में वेरिएशन आता है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा, आपको जो पसंद हो, बाकी तो अदरक, मिर्ची, धनिया और नमक जो भी आप डालो उसमें, आपको जो भी जैसा स्वाद चाहिए, जैसे पकाए हुए में डालते हैं वैसा मसाला उसमें कर देने का और चीरा मार के भर लो, हो गया। रेसिपीज तो बहुत है, रेसिपीज के बारे में बताने जाएंगे तो रात के 10 बज जाएंगे, लेकिन मुझे जो बताना है रोग के बारे में, कि खास करके रोगों में हमें क्या करना है। जैसे किसी को सीवियर एसिडिटी होती है, तो आप यहाँ पे वमन सीख गए, तो ऐसे वमन आपको 5 दिन 7 दिन घर पे जाके भी सुबह में करना है, करीबन 10 बजे के आसपास। वमन करने के बाद आपको 1 घंटा कुछ भी नहीं लेना है, और 1 घंटे के बाद जब आपको कुछ लेने की इच्छा हो, तो जैसे ग्रीन जूस तैयार नहीं है तो प्रथम क्या लेंगे, तो उसमें आप काली किशमिश 30 पीस, 30 दाने रात को भिगा के रखने हैं, या सुबह आप अगर 3-4 बजे जग जाते हैं तो सुबह 4 बजे भी भिगा सकते हैं, 30 काली किशमिश और 3 छोटी हरड़ जिसको हिमेज बोलते हैं, काली वाली आती है वो अलग से भिगाने की, और सुबह में देखो धो के भिगाने की, उसको पानी जो हमने जो भिगाया है वो पानी फेंकने का नहीं, उसको धो के भिगाने का, और फिर सुबह में जो हरड़ है वो सॉफ्ट हो गई होगी, उसको चाकू से काट लेना, वो पानी रखना, और जो किशमिश भिगाई है काली वाली वो दोनों मिक्स करके चटनी जार में पीस दो। किशमिश अगर मिट्टी की छोटी कुलड़ी या हांडी में भिगाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे आप उसको क्रश करके छान के या बिना छाने जैसे भी पसंद हो आप ले लीजिए, इससे तुरंत ठंडक भी हो जाएगी आपको और एसिडिटी में भी फायदा होगा। जैसे फिर एसिडिटी के लिए दूसरा नुस्खा, तो सौंफ यानी वरियाली, कच्ची वरियाली, या अपने घर में जो धनिया पाउडर पिसा हुआ होता है ना, उसमें फिर तमालपत्र, लवंग वो सब नहीं होना चाहिए, केवल जीरा और धानी दो ही होना चाहिए, तो वो आप 1 बड़ा चम्मच भिगा दीजिए और उसमें मिश्री डाल दीजिए, बड़ी वाली मिश्री कूट के उसमें डाल दीजिए, 1/2 घंटा भिगा दीजिए वक्त है तो, फिर हिला के उसको छाने बगैर या छान के पी जाए, उससे भी आपका सर दुखना और एसिडिटी कम हो जाती है। और तीसरा है एप्पल और बीटरूट का जूस, और बीटरूट का जूस 1 गिलास बीटरूट का जूस, बीट का जूस 1 गिलास, और 1 गिलास एप्पल का जूस, नीट निकालो तो अच्छा है जूसर में। वरियाली में तो आप मिश्री वगैरह मिला सकते हैं, धनिया पाउडर और मिश्री, और जूस है
बीट और एप्पल का, एक गिलास बीट का निकालो, एक गिलास एप्पल का, फिर मिक्स करके पी लो तो आपकी एसिडिटी शांत हो जाएगी। ये सब घरेलू नुस्खे हैं। फिर गन्ने होते हैं ना, उसको भी चूसते हैं, उसका रस पीते हैं तो भी एसिडिटी शांत हो जाती है। अब आगे डायबिटिक पेशेंट, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए पनीर फूल, मैं जो बोलती हूँ ना वो चीज़ इधर अवेलेबल है, जो आपके पास नहीं है इधर से ले सकते हैं, इधर से नहीं लेना है तो अपने मार्केट से भी ले सकते हैं, कहीं पे भी मिल जाएगा। और डायबिटिक पेशेंट के लिए पनीर फूल, केवल डायबिटीज नहीं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और स्किन डिसीज, तीनों के लिए काम करता है पनीर फूल। पनीर फूल, पनीर पोटा, हाँ, जिसको उसमें पनीर नहीं होता है, इतने छोटे छोटे फूल है अपने यहाँ, हाँ नहीं, चने की दाल की तरह नहीं, इतना बड़ा बड़ा होता है, हाँ हाँ वैसा सॉफ्ट रहते हैं, उसके अंदर जो उसके पत्ते गिरे होते हैं ना वो भी नहीं फेंकने का, ऐसे सिर्फ कोई पत्थर वत्थर आ गया है पैकिंग में तो वो हटा देने का, बाकी चम्मच भर के छन्नी में डालने का, छन्नी में धो देने का, फिर छन्नी ऐसे पलटा के कटोरी में भिगा के छोड़ देने का, रात को ओवरनाइट भिगाने का, सुबह में जब आपका फास्टिंग खुलता है सिर्फ उसको हाथ से मसल दो, वो सॉफ्ट है, फिर उसको छान के पी लो। ये आपका फर्स्ट हुआ, इससे आपका शुगर लेवल डाउन जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता खून की सफाई होगी और आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित होगा। हाँ हाँ, पनीर फूल को रात को 10-12 दाना जितना या फिर एक चम्मच भर के भिगाना है डायबिटिक पेशेंट को, ब्लड प्रेशर वाले को कम पानी, वो डूबे आधी कटोरी, वो कड़वा है ये जूस, ये इतना ही लेना है आपको, कड़वा है तो ये आप ले सकते हैं। दूसरा, आपको जो ये रेड थैली दी गई है उसमें कॉमन डाइट प्लान का पेपर दिया हुआ है, उसमें जो फर्स्ट करेला वाला जूस है वो भी आप ले सकते हैं। देखो इसमें लिखा है, लेकिन फिर भी आपको खुद के डॉक्टर खुद बनना है, आपको क्या सूट करता है, आपका शुगर लेवल या ब्लड प्रेशर किस में कम जाता है, तो वैसे आपको खुद तय करना है। ब्लड प्रेशर वालों को खास ध्यान रहे, लौकी का जूस, जब प्रेशर ज़्यादा हो तो अकेली लौकी और एशगार्ड बहुत काम करता है उसमें, एशगार्ड, सफ़ेद कद्दू, पम्पकिन, सफ़ेद वाला, हाँ पीला भी आता है सफ़ेद भी आता है, हाँ सफ़ेद कोला, वो आप ले सकते हैं। एशगार्ड सबके लिए अच्छा है, सबके लिए, चाहे कैंसर पेशेंट हो, चाहे कोई भी हो, आपको बीमारी चाहे कोई भी हो, लेकिन एशगार्ड बहुत फ़ायदेमंद है। कम से कम 100 ग्राम जितना एशगार्ड रोज़ लेना चाहिए, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। अकेला एशगार्ड पसंद नहीं है तो उसमें किसी भी चीज़ में टेस्ट लाना है ना, तो पुदीना, तुलसी, कुछ भी डाल दो तो टेस्ट आ जाएगा, कड़ी पत्ता, कुछ भी थोड़ा थोड़ा डालने का। तो तुलसी पेठे में डालते हैं, उसको सफ़ेद पेठा भी बोलते हैं, तो उसकी तासीर हमें ठंडी नहीं रहती है शरीर में। 10-15 पत्ते तुलसी के डाल देने के, कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, पुदीना भी थोड़ा सा डाल सकते हैं,
तो वैसे आप सफ़ेद पेठे का जूस पी सकते हैं। जैसे यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो आप ग्रीन जूस में आलू डाल सकते हैं, एक आलू मीडियम साइज़ का, वो आपका यूरिक एसिड कम कर सकता है। ऐसे जूसेस जो कॉमन डाइट प्लान में लिखे हुए हैं सब, जैसे करेला, खीरा और टमाटर, तो घर पे जाके सबको रात को एक बार लेके ही सोना है। अभी आप घर पे जाके कच्चे पे रहोगे या पक्के पे आ जाओगे? रहेंगे ना, इतने दिन सुना है, इतने हथौड़े मारे हैं, तो फिर इतना तो करना कि कम से कम डेढ़ दो महीना तो खींचना, फिर आगे देखते हैं, दिवाली आ जाएगी बीच में, हाँ फिर वहीं के वहीं, फिर दिवाली के बाद एक सेमिनार कर लेने का, फिसल ना जाओ तो। जैसे भी आपका चार्जिंग कम पड़े ना सेमिनार कर लेने का, ये सेमिनार है ना वो चार्जिंग है, एसी को, आरओ को, गाड़ी को, कितने महीने में सर्विस करवाते हैं? 3 महीने में करवाते हैं ना, तो अगर अपनी बैटरी पे जल्दी डाउन हो जाए तो 2 महीने में सेमिनार कर लेने का। लेकिन पहले, क्योंकि साहब जी ने बताया ना कि संगठन में सब कुछ हो सकता है, हाँ, तो समूह में जो होता है वो अकेले में नहीं होता है, इसीलिए ये जो सेमिनार्स है वो मन को मजबूत करने के लिए जरूरी है। डायबिटिक पेशेंट, उसका डायबिटीज जाएगा खून से, वो तो आज आपको बहुत कुछ समझा दिया इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नहीं समझाना है, लेकिन खून सफाई के लिए हमें सब जूसेस तो लेने होंगे और उपवास भी करने पड़ेंगे। मैंने आज कल भी मैंने बताया था कि हफ्ते में एक फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने ये देखा वो मेडिकल के इंसान है तो मेडिकल भाषा में बताते हैं और सब वो रिकॉर्ड करते हैं, मेरे पास ऐसा कोई मशीन नहीं है, लेकिन खुद का अनुभव है कि हफ्ते का एक निर्जल 100 एंटीबायोटिक का बाप है, एक निर्जल उपवास, जितना हो पाए उतना निर्जल। आज मेरा निर्जल ही है, सोमवार है ना तो मैंने निर्जल ही किया है। तो हफ्ते में कोई एक, आपको जिस भगवान पे विश्वास हो, हम ये नहीं कहते कि आप सोमवार ही करो, आपको जिस पे विश्वास है हो सके उतना निर्जल। मैं ये भी नहीं कहती कि आप 40 घंटे का करो, जितना हो पाए लंबा निर्जल, ना रह पाए तब जूस अपक्व, फिर उसमें आइटम्स नहीं बनानी है, फल खा लो, जूसी फल चूस लो, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर है रस पियो, नींबू पानी या कोई भी संतरा, मौसम्बी, कोई भी जूस निर्जल के बाद, वो बहुत इफेक्टिव है। उपवास करना बहुत आसान है, छोड़ना बहुत कठिन है। अगर कुछ धड़ाधड़ खा लिया तो ख़त्म, आपके आंतों पे दबाव आ जाएगा। जब भी निर्जल करते हैं तो उसके पीछे आप रसाहार यानी जूस लीजिए 2-3 बार, थोड़ी थोड़ी देर में और कम क्वांटिटी में, और हो सके तो चम्मच से पीजिए ताकि क्वांटिटी कम जाए और पेट भर जाए। आहिस्ता आहिस्ता पिए सूप की तरह। तो ऐसे आपको जितना हो पाए उतना उपवास, और उपवास के बाद जूस, और जूस पे नहीं रहा जाता है, बहुत क्रेविंग हो रहा है भाई, 40 घंटे का निर्जल हो चुका, क्रेविंग हो रहा है, कोई बात नहीं, टमाटर चूस लो, संतरा चूस लो, मौसम्बी चूस लो, क्योंकि चबाने से संतुष्टि हो जाती है। तो उपवास को ऐसे छोड़ना है, पहले जूस पे, फिर जूसी फल या वेजिटेबल, फिर आहिस्ता आहिस्ता दल वाले फल यानी केला जैसी चीज, जहाँ रस वहाँ कस, जहाँ दल वहाँ मल। तो
मल ज़्यादा पैदा ना हो, इसीलिए हमें रस पे रहना है। डायबिटिक पेशेंट कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो वो नेचुरल जो स्वीटनर है उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे खजूर है, केला है, गन्ने का रस है, ऐसा नेचुरल स्वीटनर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप कहीं बाहर गए और आपके पास कुछ नहीं है और आपको कुछ मीठा खाने का मन किया, तो आप एक छोटी सी डिब्बी आती है स्टीविया की, वो एक वनस्पति है, उसका इतना सा डालोगे, इतना छोटा सा, तो वो स्टीविया आपका जैसे कोकोनट का मिल्क है, आपको ज़रा सा कुछ मीठा बनाना है तो इतना सा स्टीविया डालोगे तो वो भी एकदम स्वीट हो जाएगा, बहुत कम चाहिए। तो वो भी एक वनस्पति है, उसका 3 पीस हम इधर केवल लाए हैं कि किसी को चाहिए तो ऐसी चीज़ आप ले सकते हैं नेचुरल स्वीटनर के लिए। तो वो स्टीविया आता है महंगा, वो जो अपने यहाँ फिंडला का जूस है, जिसको हीमोग्लोबिन कम है, आयरन कम है, और कैंसर पेशेंट को तो खास फिंडला का जूस बहुत बहुत काम करता है। तो वो फिंडला यानी प्रिकली पैर, फिंडला हाथला, वो नहीं जो कैक्टस कांटे वाले जो बाउंड्री नहीं बनाते खेत में, थौर पे जो आते हैं ना, उसके ऊपर लाल लाल फल आते हैं, बहुत कांटे वाले होते हैं, उसका जूस अपने पास है जो एक अट्रैक्टिव बॉटल है उसमें है, ऐसे स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बॉटल है, हाँ, तो वो बॉटल में वो जूस है, उससे अपना हीमोग्लोबिन बहुत फास्ट बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो वो आप एक कैप यानी कि 30 ml जितना केवल पानी में डाल के, और चिया सीड भिगोते हैं ना, वो भिगा देने का और उसमें एक कैप भर के डाल के वो पी लेने का, बहुत अच्छा लगता है। उसमें स्टीविया भी है क्योंकि वो ज़रा सा मीठा हो तो अच्छा लगता है। नींबू के जूस में या आप ये चिया सीड वगैरह भिगा के उसमें डाल के पीते हैं तो सेहत के लिए भी अच्छा है, और चिया सीड आपके बोन्स, आपके हॉर्मोन्स और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ कैंसर सब में चिया सीड बहुत अच्छे है, इसलिए हम आपको दोपहर के जूस में देते हैं। तो ये चीज़ मैं जो भी बोलूँगी आपको चाहिए तो इधर अवेलेबल है, अगर आपके घर में है तो कोई बात नहीं। ज़्यादातर प्रॉब्लम होते हैं हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं क्योंकि हमने पराई माँ का दूध पिया है। पराई माँ का दूध, उसका दूध उसके बछड़े के लिए है, तो वो दूध हमने पिया इसके लिए हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारा पीरियड वक्त पे नहीं होता है, और किसी को ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाता है कि ओवरी में गठान हो जाती है, किसी को ओवर ब्लीडिंग एक्सेस, आज की बेटियां दवाई लेके मेंसिस में होती है, शादी होने के बाद लंबे सालों तक बच्चा ना होना, ये कारण है। जैसे PCOD होता है ना, ओवरी में अंगूर की लूम कैसी होती है, काले अंगूर की आते हैं और ऐसे लूम लाते हैं तो कैसे ऐसे ऐसे सब कितनी मस्त लूम दिखती है, ठीक वैसी ही लूम ओवरी में हो जाती है बिगड़े हुए ब्लड की, क्योंकि जब ब्लीडिंग पास नहीं होता है तो वो अंदर रह जाता है ओवरी में और उसकी गठान बन जाती है, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे पूरी लूम बन जाती है, उसको कहते हैं PCOD। PCOD से अपने हार्मोन तो इम्बैलेंस होते हैं तभी PCOD होता है, इससे अनवांटेड हेयर आते हैं,
हाँ लेडीज़ को, जैसे दाढ़ी पे, गाल पे, किसी को मूछे, अनवांटेड हेयर, वो निशानी है अपनी ओवरी में खराब ब्लड की गठान हो चुकी है। किसी भी गठान को शरीर में नहीं रहने देना चाहिए, कैसे भी करके उसको तोड़ के निकाल देना चाहिए, क्योंकि गठान कभी भी, अभी सिंपल है, लेकिन कभी अगर ज़्यादा दिन रखोगे तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। मैं आपको घबराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन किसी को भी, कैसी भी सादी गठान है, उसको पिघलने का काम पहले कर देगा। तो गठान को, चाहे वेरिकोज वेन भी है, तो उसको भी पिघलाना है, क्योंकि वो भी एक तरह की गठान है, उधर भी हमारा खून जम गया है। तो वेरिकोज वेन जहाँ पे है वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए पैरों में दर्द और ऐसे ऐसे चलना, हाँ हिलना डुलना और चलना, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो सब का कारण कहाँ बनता है कि हमारा खून साफ करना है, गठान को तोड़ना है। तो खून की सफाई किसी भी रोग में कैसे होती है? साइट्रिक जूस से। साइट्रिक जूस यानी खट्टा जूस, खट्टा जूस यानी बिजोरा, सबसे खट्टा। और दो नींबू रोज छिलके के सहित अपने पेट में जाने चाहिए, क्रश कर दो ना ग्रीन जूस में, काट के डाल दो तो छिलका चला जाएगा। और एक नींबू रात को फ्रीजर में धो के छोड़ दो, बर्फ जैसा हो जाएगा। जब आप सलाद खाने बैठो तो उसको कद्दू क्रश कर लो, अदरक छीनने वाली छन्नी में छिलका आ गया, खुशबू भी बहुत मस्त आएगी और सलाद भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब आप घर पे कर सकते हैं। दो छिलके के सहित नींबू जाने चाहिए, वो छिलका एंटी कैंसर है। अब बड़ी आंत की सफाई तो आप एनीमा के जरिए कर रहे हैं, लेकिन खास अब कैंसर पेशेंट लिख लो या बटन दबा दो मोबाइल का, रिकॉर्ड कर लो 3 घूंट। ये कैंसर पेशेंट अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है। छोटी आंत की सफाई 3 घूंट पानी, 1 नींबू का रस छान के या कैसे भी, और फिर उसमें आधी चम्मच, जो हम टेबल स्पून खाने में लेते हैं ना, वो आधी चम्मच बेकिंग सोडा, वो भी अमेरिकन बेकिंग सोडा, अच्छी क्वालिटी का, वो महंगा आता है, वो बेकिंग सोडा आधी चम्मच। वो पानी तैयार करो 3 घूंट वाला, 1 कप में या छोटे गिलास में, और उसके ऊपर ये सोडा डाल के ऐसे हिला के एक ही घूंट में पी जाओ, एक ही घूंट में, 12 बजे, 12 बजे। ये जो कैंसर पेशेंट है, रात को 12 बजे नहीं, रात को बहुत जल्दी सोना है। ये रात को देर तक जगना यानी हमें थायराइड को इनविटेशन देना। ये व्हाट्सएप ने ही सारी पथारी घुमा दी है। तो दोपहर को 12 बजे जब उपवास खोलते हैं, तब फर्स्ट ये वाला ले लेने का कैंसर पेशेंट को। और जो नॉर्मल है, जिसको कोई छोटी मोटी तकलीफ है, वो लोग 12 बजे लेंगे, लेकिन रोजाना नहीं लेंगे। समझ गए आप? रोजाना नहीं लेंगे। और कैंसर पेशेंट पहला हफ्ता दिन में 3 बार करना है, 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे, या फिर 12 बजे, 4 बजे और 8 बजे, 3 बार ये प्रयोग आपको करना है 1 हफ्ते तक। फिर देखना एनीमा में कितना निकलता है, बहुत कचरा निकलेगा।
इससे स्मॉल इंटेस्टाइन साफ होता है और इससे गंदगी के साथ साथ रोग रूपी बैक्टीरिया भी निकल जाएंगे। तो ये प्रयोग आप अपने खुद के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। आप पहले हफ्ते में एक बार शुरू कीजिए। एक नींबू का रस, तीन घूंट पानी, एक तीन घूंट 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 जितना आप एक ही घूंट में अंदर डाल सके उतना पानी, उसमें दूसरा घूंट नहीं भरना है, ऐसे फट से पी जाना है। बारह तीन और छः या फिर बारह चार और आठ, इधर नेट चला तो इसका वीडियो हरीश भाई में आ जाएगा, कल आपको दिखा देंगे। ये जेसिका बेन ने स्पेशल कल न्यू जर्सी से मुझे फोन करके बताया कि ये करने से बहुत अच्छा रिजल्ट है। और दूसरा लेना है स्पाइरिलुना का पाउडर, टेबलेट नहीं है, पाउडर है नेचुरल, उसको थोड़ा सा छोटी चम्मच आइसक्रीम स्पून लेके उसके ऊपर गर्म पानी या मटके का नहीं, नॉर्मल पानी पी लेने का, उतर जाएगा। स्पाइरिलुना गुजराती में उसको कहते हैं दरियाई सेवाड़, एकदम बॉटल ग्रीन पाउडर आता है, हमने मंगवाया है तो आएगा, तो हम आपको जिनको चाहिए, वो महंगा आता है। इतना स्पिरिलुना स्पाइरिलुना जो भी बोलते हैं, उससे ताकत भी बहुत आती है, पेट में ठंडक भी बहुत रहती है और कैंसर जैसे कठिन रोग मिटाने में भी ये बहुत उपयोगी है। डायबिटीज भी इससे जाता है, टेबलेट फॉर्म में भी आता है ऐसा मैंने सुना है। कैप्सूल आती है तो कैप्सूल का ऊपर का जो लेयर है वो जिलेटिन वाला, वो नुकसानदेह है। पानी के साथ ले लो, जूस में डाल दो, लेकिन उसमें कैल्शियम बहुत है, यानी कि चिकना बहुत है, इसीलिए फिर जूस थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, चिकना, इसलिए थोड़े से जूस में मिला के पी लो तो बेटर है। हाँ, थोड़ा सा जूस छोटे गिलास में इतना सा जूस लेके उसमें आप मिला के पी लो, ये फ्लोट होगा ऊपर ऊपर फ्लोट होगा, क्योंकि बहुत पतला होता है। कैसे भी आपको अपने पेट के अंदर पहुंचाना है। हाँ, नहीं तुरंत नहीं, कोई भी चीज लो ना तो उसके बाद तुरंत कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, बीच में थोड़ा सा गैप रखो ताकि उस चीज का असर आए। जब दोबारा शरीर अपना ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भूख लगी है तब देने का। अब आपको वॉल क्लॉक नहीं देखनी है 12 बजे के बाद, बॉडी क्लॉक, आपका शरीर जब मांगे तब देना है, थोड़ा थोड़ा देते रहने का, तो हो सके उतना कम से पेट भरने का। ये कैंसर वाले तीन बार हफ्ता भर, जो नॉर्मल लोग हैं उनको हफ्ते में एक बार या हफ्ते में दो बार, जिसके अंदर बहुत गंदगी भरी है, जिसका वेट बहुत है, उनको दो हफ्ते में तीन बार दो अल्टरनेट डे, क्योंकि वेट ज्यादा है कम करना है। हाँ हाँ हाँ, ये है ना, कोई भी गठान को तोड़ता है ना, ये और बिजोरा और खट्टा जूस और नींबू के छिलके सहित रस, ये सब कुछ किसी भी गठान, मैं बोल गई कि भाई कहीं भी कैसी भी गठान है ये पिघलने को काम करेंगे। खट्टे साइट्रिक जूस बिजोरा मिलता है माणिक चौक में। हाँ
हाँ लेकिन वो तो दूध वूध पिया होगा ना, उन्होंने एनडीएस थोड़े ना किया है, सिर्फ बिजोरा मैं जो बता रही हूं ना वो चीज एनडीएस से जुड़ी हुई है, नेचुरोपैथी से जुड़ी हुई है। अगर आप अच्छे से दूध पी रहे हैं और सब खाना खा रहे हैं और बिजोरा का जूस जरा सा पी रहे हैं, कुछ काम करने वाला नहीं है, क्योंकि दूध इतना डेंजरस है कि वो बिजोरा का भी मार देता है, उसके इफेक्ट को भी मार देता है। वैसे बिजोरा बहुत इफेक्टिव है, उसमें एक सुई डाल दो और हफ्ता भर छोड़ दो, फिर उसको काटो, सुई नहीं मिलेगी, सुई भी पिघला देता है, तो क्या वो गठन नहीं पिघलाएगा? लेकिन साथ में दूध पियो फिर देखो मजा। पक्का पक्का हो तो ज्यादा अच्छा है, थोड़े दिन रखोगे तो पक जाएगा, लेकिन साथ में दूध लोगे तो वो दूध अंदर फट जाएगा और उसका पता नहीं चीज बनेगा, पनीर बनेगा, क्या बनेगा, और फिर वो क्या डिसीज लाएगा और क्या रंग गुल खिलाएगा वो मुझे नहीं पता है। मैं जो भी बोलती हूँ इसके साथ एनडीएस कंपलसरी है, रसाहार कंपलसरी है, रसाहार करोगे तो ही ये जो बोलती हूँ वो चीज असर करेगा, वरना थोड़ा थोड़ा तो आप करते ही हो ना, क्यों असर नहीं हो रहा है? क्योंकि साथ में जहर जा रहा है, जहर की तो एक बूंद काफी है, अमृत का घड़ा भरा है ना तो उसको भी जहर बना देता है। जैसे बिजोरा का 100 ग्राम बिजोरा रोज जाना चाहिए, बड़ा आता है उसको तीन तीन, जैसे बड़ा है तो तीन पार्ट कर लो, 100 ग्राम जितना रोज लेना है, लेकिन छिलके के सहित, छिलका ही गधा नींबू कहते हैं, पता नहीं है उसको बिजोरा कहते हैं, बड़ा आता है, लंबा भी आता है, गोल भी आता है। गधा नींबू और बिजोरा अलग है, कच्छ में तो हो उसकी खेती भी होती है और उसका आचार भी मिलता है। हाँ पथरी भी निकल जाती है, खट्टा उसका टेस्ट, खट्टा और उसका जो स्कीन होता है छिलका वो थोड़ा कड़वा तूरा रहता है, लेकिन छिलका उसका काम करता है। इतना बड़ा गोल है बिजोरा तो उसके चार पार्ट हो, एक पार्ट रोज लेना है। एक ही बार जूस और छान के लेना है, समझ गए? अब ये मुझे नहीं पता है, ये रह जाता है। आपको एक बिजोरा जैसे काटना है तो 4 दिन, बड़ा है तो नहीं नहीं लेना है ना, महीना भर लीजिए ना। मेरे यहां अभी कुछ नहीं है, सैटेलाइट पे आपको पहले ऑर्डर करना पड़ेगा फिर मिलेगा। जैसे कोई भी चीज जो बिगड़ने वाली है वो हम शॉप पे नहीं रखते, आप कॉल करोगे, ऑर्डर करोगे, फिर हम मंगवाएंगे, आएगा तो कॉल कर देंगे। ऐसे चीज मिलती है, ड्राई चीज मिल जाती है। जैसे आज साहब जी ने बताया कि कच्ची घानी का तेल, तो हम कच्ची घानी का मूंगफली का तेल बनाते हैं, फिर तिल का तेल कोल्ड प्रेस बनाते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया खुद पीसते हैं, हो सके उतना हम अपने साधकों को, देखो मार्केट में नहीं रखते हैं, केवल साधकों के लिए हमने सेंटर खोला है और वहाँ पे सब हाइजेनिक चीज मिलती है, जैसे अल्फा अल्फा सीड, चिया सीड, ये सब्जा यानी तकमरिया, ड्राई फ्रूट, ये काली किशमिश, छोटी हरड़, पनीर फूल, हेल्थ रिलेटेड सब चीज, फिर मिलेट्स बताया ना, वो मिलेट्स भी अपने पास है, किसी को
हाँ जी रेसिपी आज बतानी है। अच्छा तो वो सब चीजें देखो, हम सब सैंपल के लिए सब कुछ लाए हैं। 5 लीटर का मूंगफली का ये जो सिंपल कच्ची घानी का सिंग तेल भी लाए हैं, उसको खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, नी रिप्लेसमेंट है तो वो भी रुक जाती है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं कपासिया तेल खाने से, कपासिया तेल कभी भी नहीं। इसीलिए बाहर जो तले बुने नाश्ते मिलते हैं वो नहीं खाने चाहिए। हमें भी जब पता नहीं था तो हमारा तो बिजनेस यही था, कपासिया का ऑयल मिल था। आज से 13 साल पहले 6 एक्सप्यूलर थे, इससे जुड़े और चौहान साहब से सुना, इन्होंने मिल में ताला लगा दिया। 4 साल बैठे रहे बिना धंधे के, बोले जो हम नहीं खाते वो औरों को कैसे खिलाए। और हम तो वैसे केवल कच्चा तेल निकालते थे, बाकी रिफाइंड तो करते थे ये तिरुपति और मारुति वाले, हमसे टैंकर भर भर के ले जाते थे फिर वो रिफाइंड करते थे। हमारे यहाँ रिफाइनरी नहीं थी, सिर्फ कच्चा तेल निकालते थे। वो एक्सप्यूलर 6 के 6 पड़े रहे इतने सालों तक, और फिर ये तेल हमने कामकाजी बंद कर दिया कि ये तो सबको हार्ट अटैक देता है और स्वास्थ्य खराब करता है, तो कपासिया तेल आज नहीं कभी भी नहीं। 4 साल बिना धंधे के बैठे रहे बराबर है, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। फिर हम अपने लिए छोटा सा मशीन लाए, कोल्ड प्रेस, उसमें मूंगफली डाले और तेल निकले वो खाए। तिल का तेल अपने यहाँ जो है वो वैसा ही है, कोल्ड प्रेस में निकाला हुआ, हम खुद निकालते हैं। अब हम छोटी सी घानी लाए, उसमें हम तेल का मूंगफली का तेल निकालते थे। फिर हम हमारे लिए लाए, लोग बोले आप जो खाते हमें भी दो, तो पहले परिवार में, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब साधकों में देने लगे। तो अब छोटी सी घानी है तो उसमें केवल 30 डिग्री पे ये तेल गर्म नहीं होता है, तो उसका सत्व तत्व एज इट इज है। तेल गर्म होने में देर लगती है क्योंकि कच्ची घानी का है तो थोड़ा गाढ़ा भी है, लेकिन बाहर से हम जो अंकुर और गुलाब लाते हैं ये अपने गुजरात में, उसमें 30% मिक्सिंग का सरकार ने छूट दिया हुआ है। तो आप देखना उस तेल, बाहर से लाए हुए तेल को आप एक बार गर्म करते हो ना, उसके बाद वो ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है, और आप जब उसको निकालते हैं छान के तो उसमें ग्रीनिश लाइन होती है, वो पाम तेल है। और अपना तेल आप चाहे कितनी भी बार गर्म करो, उसका कलर भी नहीं बदलेगा, उसकी थिकनेस भी कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं होगी, जैसा है वैसे का वैसा। और कैसे भी आप पलटाओ, धूप में देखो, कहीं भी देखो, उसमें कलर नहीं दिखेगा क्योंकि वो नेचुरल है। कच्ची घानी का होता है इसलिए एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, हल्का सा उसमें धुंधलापन होता है क्योंकि वो केवल फिल्टर्ड है, 7 छन्नी से छाना हुआ, रिफाइनरी नहीं है। तो वो तेल खाने से नी रिप्लेसमेंट ज़्यादातर बंद रहता है, क्योंकि हम इतने सालों से खाते हैं इसलिए मेरा अनुभव है। मुझे भी ये सिस्टम शुरू किया उससे पहले मुझे भी नी रिप्लेसमेंट कहा गया था, मैंने आज तक नहीं करवाया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आहार बदला और ये सब चीज़ें बदली। तो जितना ये मिलेट वगैरह जो है यो, इसके बारे में अभी जाना, तो अभी यानी इतने दिनों में नहीं, पिछले 4-5 महीने से जाना, तो मिलेट खाने शुरू किए तो सच में वो बहुत फ़ायदेमंद हुए। कि इतना एक्सीडेंट होने के बाद लिगामेंट रप्चर हुआ लेकिन हड्डी कोई नहीं टूटी। तो जो आहार बदलते हैं उसके बोन्स तो मजबूत हो ही जाते हैं, हरी पत्तियाँ उसके लिए बहुत काम करती है। तो ऐसे हमें, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें कुछ कुछ चीज़ें बताई, वो ही मैं बताने वाली थी। ये बोलते थे 4 चीज़ें बंद करो,
तो उसमें गेहूं चावल और मिल्क और सुगर बोले, सुगर हाँ, तो मैं बोलती हूँ पांच सफेद चीजें बंद करो, पराई माँ का दूध, सफेद चीनी, सफेद नमक यानी आयोडाइज नमक, वो ब्लड प्रेशर लाता है, वो बंद करो। तीन चीजें हो गई, सफेद नमक, मैदा यानी बेकरी प्रोडक्ट टोटल बंद, ये चार चीजें हो गई। और पांचवा, सफेद झूठ बोलना बंद करो, मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाता, तो आपके ज्यादातर रोग चले जाते हैं। गेहूं तो हम नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें ग्लूटेन ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि वेट ज्यादा गेन करता है और बॉडी में सारे रोग भी ले आता है। तो ऐसे कुछ कुछ बदलाव हम ला सकते हैं। आज मैंने इधर बैठ के इसीलिए सोना कि किसी का मुझे पुनरावर्तन ना करना पड़े और आप भी कंटाल ना जाए। तो ये मैंने बता दिया कि आपको कैसे कैसे बदलाव लाने हैं। अब तिल का तेल रोज कम से कम छोटी छोटी 2 चम्मच खाओ तो बॉडी पेन नहीं होता है। कच्चा, आप जब पक्व भोजन खा रहे, खिचड़ी में ऊपर से डाल के खाओ या फिर किसी भी चीज में आप डाल के खा सकते हैं, सब्जी में, या जैसे बॉईल कुछ किया तो उसमें ऊपर से डाल दिया, जब पक्व भोजन शुरू करते हैं। जब पक्व भोजन नहीं लेते हैं तो कच्चे में भी आप, जैसे कुछ कल आपने टिंडे का अचार खाया तो उसमें कच्चा तिल का तेल डाल सकते हैं या फिर सरसों का तेल डाल सकते हैं, तो वो इफेक्टिव रहता है अपने सेहत के लिए। तो वैसे आप छोटे मोटे बदलाव ला सकते हैं। अब हरीश भाई ने कहा कि वक्त है तो चटनियों के बारे में बता दो, तो आप जो बोलो, मैं तो आप जैसा बोलोगे वैसा बोलने लगूंगी। ग्रीन जूस की रेसिपी, ग्रीन जूस में तो आपको जो मिले, पालक अच्छा मिले तो डालने का वरना कैंसल, जो भी मिले, पालक, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, ड्रमस्टिक के पत्ते खास डालो, सरगवा के पत्ते, सरगवा के पत्ते, पालक, पुदीना, धनिया, नीचे की डाली, आगे के थोड़े पत्ते सलाद में डालने के लिए रख दो। पत्ते लेने हैं लेकिन आगे से थोड़े रख दो, डालने हैं तो डाल भी सकते हैं। पालक, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, ड्रमस्टिक यानी सरगवा के पत्ते मुट्ठी भर, ये तो पेड़, एक पेड़ कहीं ढूंढ लेने का, मार्केट में नहीं मिलता है। सरगवा, मोरिंगा, सहजन के पत्ते, ड्रमस्टिक, सरगवा आप रोज नहीं ले सकते, वो पेट की सफाई करता है अच्छे से, लेकिन वो रोजाना नहीं लेना। हाँ नहीं, आप जब पक्व भोजन शुरू करें तो उसका सूप रोजाना लेना है, लेकिन कच्चा ड्रमस्टिक हो सके तो रोजाना नहीं, हफ्ते में एक बार या 2 बार, ज्यादा नहीं। ग्रीन जूस में डाल सकते हैं तुलसी पत्र। हाँ जी, पानी कितना है ये बोल रहे हैं? हाँ, पारिजात के पत्ते जिसको जॉइंट्स पेन है डाल सकते हैं ना, खास करके जिसको पार्किंसन जैसी बीमारी है, उन लोगों को पारिजात और नगोड़ के पत्ते बहुत काम करते हैं। पुनर्नवा नहीं, नगोड़ा देखो, पांच पत्ते से ज्यादा नहीं डाल सकते, लेकिन बहुत सारे पत्ते जमा नहीं करने के, हम आपको इतना सारा जमा कर दे फिर बोले चलो चुनने बैठो, कितनी देर लगेगी।
कम से कम पत्तों का मिक्सिंग करें, ज्यादा नहीं, 5 किस्म के हो गए बस, कल दूसरे 5 किस्म के। हाँ, अजवाइन के पत्ते डालते हैं ना हम, वो अच्छे हैं। उसमें नहीं डालोगे, गिलोई यानी नीम गिलोई, हल्दी और तुलसी, इसका रस इतना सा पियोगे तो बहुत अच्छा काम करता है, बॉडी पेन सारा चला जाता है। नीम गिलोई, हाँ 20, 25 या 15 आपको जितना ठीक लगे, उसने तुलसी पत्र। और अभी तो हल्दी शुरू हो गई, तो हल्दी का आप ले सकते हैं। उसका रस बना के 2 चम्मच पी लो, वो बॉडी पेन को कम करता है। यहां तक कि जिनको चिकनगुनिया हुआ होता है ना, उनको भी ये बहुत काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। जूस कोई भी पियो, इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सुबह का फास्टिंग बहुत जरूरी है। उसमें लौकी है, कद्दू है, आंवला है, अदरक है, नींबू है, और मसाले में तो सेंधा नमक, काला नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च कॉमन है। किसी भी जूस में आपको हो सके उतना मसाले कम डालना, काली मिर्च, जीरा पाउडर, कोई भी उसकी डाली लेनी है तो उसको धो के कूट के भिगा दो 6-8 घंटा। नहीं, मैंने बुक नहीं लिखा है, ये तो मैंने केवल जो अनुभव किया है वो डायरेक्ट बताती हूँ। हाँ, नागरवेल के पत्ते भी ग्रीन जूस में सर्दी कफ है तो डाल सकते हैं। किसी को एक्सेस ब्लीडिंग होता है, एक्सेस ब्लीडिंग होता है, वो लोग भी 2 पत्ते नागरवेल के ग्रीन जूस में डाल सकते हैं। नागरवेल बहुत इफेक्टिव है। सेंधा नमक, काला नमक यानी संचड़, काली मिर्च और जीरा पाउडर, और अपना जो चाट मसाला इधर मिलता है ना, वो घर का बनाया हुआ है, उसमें कश्मीरी थोड़ी सी मिर्च डाली है, काला नमक, सेंधा नमक, हींग, वो जो भी डाला है उसमें काला नमक, सेंधा नमक है। बाहर जो मार्केट में मिलता है उसमें आयोडाइज नमक होता है, मार्केट वाले उसमें नींबू के फूल डालते हैं, साइट्रिक एसिड, और हम लोग इसमें आंवले का पाउडर डालते हैं और आम का पाउडर, आमचूर, वो भी बहुत ऊंचा आमचूर, अच्छा वाला, हर चीज़ चुन चुन के लाते हैं और बनाते हैं। तो ये वाला चाट मसाला आप जरा सा खाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाहर का खाओगे फिर देखो, आयोडाइज नमक ब्लड प्रेशर को जन्म देता है, और ब्लड प्रेशर की गोली, छोटी सी गोली क्या करती है, अपने हार्ट का पंपिंग कम करती है और हार्ट को ब्रॉड करती है, फिर बाईपास आता है। ये बाईपास तो अपनी कुंडली में हमने लिखा है ना, ये कहाँ परमात्मा ने लिख के भेजा है कि भाई 30 में बीपी, 35 में डायबिटीज, 40 में कोलेस्ट्रॉल और 45 तक तो बाईपास फिक्स है। अनिल जैन हमारी किस्मत में लिखे हुए नहीं है, तो बाईपास की कोई जरूरत थोड़ी ना है। हमें अगर बाईपास नहीं करवानी है तो आप आहार बदल के देखो, फिर जब आप स्वस्थ हो जाओगे 3-4 महीने में, आपका खून अब साफ हो गया, अब शुगर गया, डॉक्टर साहब ने बताया ना कि उनका शुगर अब चला गया क्योंकि सुबह का फास्टिंग करते हैं,
तो सुबह का फास्टिंग से उनका शुगर वापस नहीं आया, और मैं अपना फास्टिंग किसी भी हालत में नहीं छोड़ती हूँ, आगे चाहे 56 भोग रख दो, मैं नहीं तोड़ती हूँ। तो मैं कोरोना पेशेंट के साथ रही हूँ, उनको एनिमा भी करवाया है, स्टीम भी दिया है, छुआ भी है, बेड के ऊपर कोरोना पेशेंट और नीचे मैं सोई हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये सब प्रभु की कृपा है, मेरे से कुछ नहीं हो पाता। लेकिन तीन तीन कोरोना पेशेंट मेरे घर में ही थे, मेरा बेटा, मेरे पतिदेव और मेरी मम्मी, तीनों को लग गया था। मेरे नंदोई एक्सपायर हो गए तो उनके यहाँ सब पॉजिटिव थे, 10 जने, और उनके पास 2-3 दिन रुके तो आ गया। लेकिन मुझे परमात्मा की कृपा से कुछ नहीं हुआ। ये मुझे सब अनुभव करवाते हैं कि देखो उपवास क्यों उत्तम है। उपवास, मैं बोलती हूँ ना, 100 एंटीबायोटिक का एक बाप है। जब भी बुखार आए या आपका शरीर आपको मना करे कि आज नहीं लेना है, तो फिर आपको नहीं सोचना है कि कल तो मुझे संडे या मंडे है, कल तो वैसे भी मेरा फास्टिंग का दिन है, तो चलो आज मैं खा लूँ। नहीं, आज मन किया तो आज नहीं लेना है। हफ्ते में एक दिन तो ऐसा आता ही है कि इंसान को खाने की इच्छा नहीं होती है, और हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है कि बहुत भूख लगती है, इतना क्रेविंग होता है ये खा लूँ वो खा लूँ। तो परमात्मा ने हमारे लिए अपना मन जो दिया है वो सेट करके ही दिया हुआ है कि जैसे हम बीमार होते हैं तो कैसे अपना शरीर मना करता है। फिर चाहे आगे कुछ भी रखा जाए, कुछ भी, कल जैसे मैंगो डिलाइट रखा था वो भी रखा जाए, तो वो भी जब बीमार है तब नहीं, क्योंकि वो अमृत भी जहर है। जैसे रास्ता कोई खराब है तो कैसे डायवर्जन देते हैं कि यहाँ पे मत जाओ, साइड में से निकलो, वैसे डायवर्जन देना है। मन हो जाता है, मन चंचल है तो छोड़ो ना, डाइनिंग हॉल में जाओ ही मत। जहाँ अपना मन फिसलता है वो जगह छोड़ दो। जब हम बीमार है, बुखार आता है तो वो हमारा मित्र है, ये थोड़े ना दुश्मन है। कुछ टॉक्सिन्स वमन के जरिए, कुछ टॉक्सिन्स एनिमा के जरिए निकल गए, लेकिन अभी भी कुछ बच गए हैं, तभी तो रोग है। तो उसको परमात्मा अपने शरीर में जलाता है तो बुखार आता है। अपने पास हिसाब किताब के बहुत पुराने किताब पड़े हैं, अब 10 साल हो गए, अब कोई काम के नहीं है, लेकिन उसको हम ना पस्ती में दे सकते हैं ना घर में रख सकते हैं, तो ये पुराने जो चौपड़े होते हैं वो क्या करोगे आप? रखोगे ये रद्दी आप घर में रखोगे? उसमें हिसाब किताब है, दे सकोगे पस्ती में? नहीं दे सकोगे। ना घर में रख सकते हैं, कचरा होता है, ना बाहर दे सकते हैं, कचरा होता है। अब क्या करते हैं? फाड़ के जला देते हैं। ठीक वैसे ही जो कचरा आप उपवास कर रहे हो तब ऊपर से गिर के नीचे आता है, एनिमा के जरिए थोड़ा सा बाहर निकलता है, लेकिन फिर भी अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि ब्रेड बर्गर पिज़्ज़ा खाए हैं, कहाँ से निकालोगे? हाँ, ये ब्रेड बर्गर और पिज़्ज़ा है नरक के वीज़ा, तो अब ये वीज़ा जब कैंसिल करवाना है, इसको निकालना है, तो ये थोड़े ना आसान है। बीज चीज़ का एक क्यूब पचने में, छोटा सा क्यूब पचने में 1 महीना लगता है। अब ये गंदगी निकालने को वक्त तो चाहिए ना, तो फिर बुखार आएगा। पहले 12 महीने में ऐसे चमकले होंगे, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार बुखार आ जाएगा, क्योंकि हमें भी आया था। मैंने चीज़ बटर नहीं खाया था, मुझे चीज़ जन्म से पसंद नहीं है, मुझे उसकी बू ही पसंद नहीं है, ना मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक पिया है, ना मैंने कभी ये चीज़ बटर खाए हैं बाहर के, कुछ भी नहीं। पनीर वनीर खाया होगा पहले, जब पता नहीं था तब, तो भुगत लिया। तो ऐसे बुखार जब आता है तो वो हमारा मित्र है, अंदर के कुछ टॉक्सिन्स जलाने के लिए आता है। तो घबराने का नहीं, खुश होने का,
की सिस्टम वर्क कर रही है और आपका बुखार आया है किस लिए, आपके टॉक्सिन्स को जलाने के और निकालने के लिए। तो बुखार में एनीमा अवश्य करो, डायरिया में एनीमा अवश्य करो। चाहे दिन में 25 बार भी डायरिया हो जाए फिर भी एनीमा करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये जो थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा जाते हो ना, वो 5 बार का एक बार में निकल जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। 25 के बजाय आप 20 बार 15 बार, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते 3 दिन में नॉर्मल पे आ जाओगे। ये सिस्टम जब करते हैं तब किसी भी स्वरूप से आपका मल कहीं से भी निकलेगा, पसीना थ्रू, वॉमिटिंग, सर्दी, खांसी यानी बलगम के थ्रू, डायरिया, बुखार, आँखों में पानी, पैर की पिंडिया फटना, हाथों की ये स्किन फटना, जलन होना, खुजली आना और रेड रेड चट्टे हो जाने यानी सीड़स हो जाना, कुछ भी हो सकता है, घबराने का नहीं। बस आपको किसी भी जो भी बाहर निकले उसको दवाई लेके दबाने का नहीं, किसी अनुभवी साधक को फोन करो और इलाज एक ही है। मुझे जब भी फोन करना है पहले एनीमा करो फिर मुझे कॉल करो, पहले एनीमा करो तुरंत फिर मुझे कॉल करो। शायद कॉल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जवाब मिल जाएगा। एनीमा इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है, तो जब भी कुछ हो जाए पहले एनीमा, फिर ऊपर से चक्कर वक्कर हो रहे हैं, सर भारी है, वमन कर लो। वमन हमेशा खाली पेट होता है, नीति सिखाई गई। हाँ, तो फिर जिसने भी सीखा ये ऐसे करके पहले पॉट रखने का और फिर मुंह घुमाने का, ऐसे मुंह घुमा के ऐसे पॉट सेट नहीं करने का, तो प्रॉपर तरीके से सीखना और उसका उपयोग करना। ये पॉट अपने घर में आप रख सकते हैं, केवल 50 रुपये का है। तो ऐसी चीज़ें आप अगर घर में रखते हो तो सर्दी के, जब सर्दी बहुत होती है तो ये सब में ये काम आते हैं। तो ऐसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब भूख लगी है? नहीं लगी?